हेलो यूट्यूब व्हाट्सअप, दिस इज़ रोहित एंड यू वाचिंग हाईटेक रोहित। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट्सअप के दो नए फीचर्स के बारे में जो कल रात में रिसेंटली लॉन्च की गई है। व्हाट्सअप के सभी जो भी यूजर्स हैं वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, पहले अपने व्हाट्सअप को गूगल प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको आना है सेटिंग में और यहाँ से जाना है आपको अपने अकाउंट वाले सेटिंग में और यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेसी का। जैसे दोस्तों प्राइवेसी में आओगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रुप का और दूसरा दिख रहा होगा आपको फिंगरप्रिंट लॉक। ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको नया ऐड मिल गया है। दोस्तों एक और ऑप्शन आने वाला है, वो है डार्क थीम का। वो एक्चुअली आ चुका है बट जो बेटा वर्सन है, जो बेटा यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप का बेटा वर्सन, उन्हें मिली है। उसे थोड़ा और प्रॉब्लम होने के बाद नॉर्मल सभी यूजर्स को वो भी फीचर्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप की तरफ से। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट का ऑप्शन बताने से पहले बता दूं आपके ग्रुप के बारे में। जैसे अगर आप ग्रुप में आते हो तो यहाँ पहले क्या होता था कि आपके जितने भी लोग रहते थे व्हाट्सएप पे, कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर लेता था और आप ना चाहते हुए भी उस ग्रुप में ऐड हो जाते थे और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि अनडिसेंड कुछ भी मीडियाज फाइल टेक्स्ट आते थे इस तरह से। पर दोस्तों अब क्या है, आप इस तरह से अपने कॉन्टैक्ट को मैनेज कर सकते हैं कि आपको कौन ग्रुप में ऐड कर सकता है और कौन नहीं। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि आप नॉर्मली अगर आप एवरीवन सेलेक्ट करते हो तो जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं सारे आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट अगर सेलेक्ट करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग व्हाट्सएप पर हैं सिर्फ वही लोग आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अगर आप नोबडी पर सेलेक्ट करते हो तो कोई भी आपको बिना आपके परमिशन के किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। अगर वो करेगा भी, अगर आप नोबडी करके रखे हो तो अगर कोई आपको ग्रुप में ऐड करे तो आपको एक टेक्स्ट आएगा जिसके नीचे में लिखा हुआ एडमिन्स हू कांट ऐड यू टू ए ग्रुप विल हैव ऑप्शन टू इन्वाइट यू प्राइवेटली इंस्टेड। तो आपको एक टेक्स्ट आएगा आपके पर्सनल मैसेज में कि यू बंदा जो है आपको या फिर जो भी बंदी है आपको उस ग्रुप में ऐड करना चाह रहा है। तो जब अगर आप वहाँ से अगर आप उसे एक्सेस करोगे तभी आप उस ग्रुप को ऐड कर सकोगे। तो ये बहुत अच्छी फीचर्स है, इससे आपको काफ़ी इरिटेटिंग से बच जाओगे, मतलब अपने हिसाब से आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो दोस्तों ये फीचर्स है और सेकंड फीचर्स जो आई हो फिंगरप्रिंट लॉक की। तो अब क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप पे पहले जिनके पास फिंगरप्रिंट लॉक नहीं होती थी तो व्हाट्सएप ने बहुत ही अच्छी खास चीज़ लेके आई है कि व्हाट्सएप को आप अनलॉक कर सकते हो फिंगरप्रिंट के साथ। अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं दे रहे हो तो वो व्हाट्सएप अनलॉक नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे भी ये कुछ खास तो नहीं लग रहा क्योंकि आजकल सभी स्मार्टफोन में तो लॉक सिस्टम की वजह से सारे ऐप को तो लॉक कर ही लेते हैं, बट इनका जो मेन खासियत है वो है ये है कि दोस्तों इसे जब आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको बोलेगा टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। तो जो भी आप फिंगरप्रिंट सेंसर है उसे जैसे आप टच करोगे तो यहाँ पे आपका वो फिंगरप्रिंट ले लेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉक के तीन ऑप्शन दिखेगा कि वो आपका जो है व्हाट्सएप को कब लॉक कर सकता है ऑटोमेटिक। आपके 30 मिनट्स अगर कोई यूज कर रहा है आपका व्हाट्सएप या आप खुद ही यूज करो तो 30 मिनट्स अगर सेलेक्ट करते हो तो 30 मिनट बाद आपका व्हाट्सएप अपने आप लॉक हो जाएगा। अगर 1 मिनट करते हो तो 1 मिनट में और इमीडिएटली करते हो तो तुरंत ही हो जाएगा लॉक संग। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी फीचर्स है कि कई बार होता है हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं और हमारे हाथ से किसी और के हाथ में फोन चल जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो फिर उसे लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है चाहे जो कुछ भी। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों तीन तरह का दिया गया है, यहाँ से आप उस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो ये एक अच्छी फीचर्स है व्हाट्सएप की तरफ से कि आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर और सेफ कर चुके हो जिससे आप फिंगरप्रिंट लॉक के बिना वो व्हाट्सएप आपका नहीं खुलेगा किसी के हाथ से या फिर आपके ही हाथ से। तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि व्हाट्सएप यूज़ करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप यूज़ करते करते हमारे फ़ोन से कोई हाथ ले लिया या सडनली कुछ हो गया। तो आप नॉर्मली से आफ्टर 30 मिनट्स कर दो या आफ्टर 1 मिनट्स कर दो, तो अगर ऐसे में आपका फ़ोन किसी और के पास जाता भी है तो वो ऑटोमेटिक उतने टाइम के बाद में वो लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये नई फीचर दो फीचर्स आई है व्हाट्सएप में, तो आई होप कि ये नई फीचर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा अब। और आप लोगों के लिए मैं फटाफट ये वीडियोज़ बनाया हूँ बहुत ही जल्दी। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग बस एक काम कर दो मेरा कि जाके फटाफट मेरे इस वीडियोस को लाइक कर दो और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आपको इसी से रिलेटेड और भी अपडेट न्यूज़ मिलती रहेंगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही था, वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।